सुनीता चौधरी, मेरे चैनल में फिर आपका स्वागत है। मेरे पास बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप प्रिंटर्स के बारे में बताइए कि कौन सा प्रिंटर जो है टैटू इंडस्ट्री के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, बिगिनर के लिए कौन सा बेस्ट है, प्रोफेशनल कौन सा बेस्ट है। तो मैं आज एक कंपैरिजन दिखा रहा हूँ, मेरे पास तीन प्रिंटर है, उन प्रिंटरों का मैं कंपैरिजन दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से मैं उसको कहाँ एक कैसे यूज करता हूँ और आपके बजट में कौन सा प्रिंटर आएगा, ये प्रिंटर कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसका मैं लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से परचेज कर लीजिएगा। और ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपके काम की बहुत वीडियो है क्योंकि सबका अलग अलग बजट है, कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट है, कोई बिगनर है, तो सबके लिए अलग अलग टाइप के प्रिंटर आते हैं। आपको जो प्रिंटर सूट करता है वो प्रिंटर आप लीजिएगा। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए देखते हैं। एक प्रिंटर है ये इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर में हम इंक डालेंगे और उससे प्रिंट निकालते हैं। मान लिया हमने ये प्रिंट निकालना है, एक ये प्रिंट है जो कि हमने दूसरे प्रिंटर से निकाली है, लेजर प्रिंटर से। इसको हम इससे निकालेंगे। अब इसके लिए हमारे ये स्टेंसिल पेपर है, उसमें ये पीस निकाल देंगे। इसको हमें यहाँ से स्लाइड करना होता है, ये खुल जाता है। मैंने ये पहला पेपर निकाल दिया था, अब इसको हमें ये ध्यान रखना है कि प्रिंट वाला जो साइड है वो इस तरफ रहना चाहिए और ये इसके अंदर जाएगा उल्टी साइड से। वैसे इसको हमें यहाँ पे पंच कर देना। ये जो प्रिंट है ये इसके इस साइड में जाएगा। डीपनेस में हमें फोटो रखनी है और ये इसके अंदर चला जाएगा। हो गया। अब यहाँ स्टार्ट कॉपी करनी है हमें एंड देन इसको हल्का सा खींच के रखना है। तो दोस्तों देखिए धीरे धीरे करीब करीब ये प्रिंट निकल चुका है। ऊपर वाला जो है वो हमारा प्रिंट आउट वाला पेपर था और अंदर जो बाहर से निकल रहा जो इंक वो हमारा जो है स्टेंसिल प्रिंटर वाला पेपर है। कार्बन पेपर जो होता है वो थर्मो पेपर होता है, तो ये उसको कॉपी करके निकाल लेगा। अभी देखिए पूरा निकल चुका है, मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाता हूँ। देखिए कितना फाइन रिजल्ट है। अब मैं आपको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में बता रहा हूँ कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से कैसे प्रिंट निकलता है, उसका क्या रिजल्ट आता है। और सेम वही तरीका है, इसमें हम यहाँ पर पिन निकालेंगे, लगाएंगे। देखिए मैंने अब प्रिंट कमांड दे दिया है और अब ये प्रिंटर जो है प्रिंट करने लगा है। थोड़ा इसको क्लोजअप से दिखाता हूँ आपको। देखिए प्रिंटिंग चालू हो रखी है और ये पीछे से पेपर भी अंदर की तरफ जा रहा है। देखिए ये प्रिंटर जो है वो थर्मल प्रिंटर के मुकाबले में काफ़ी स्लो होता है, करीब करीब 10 गुना स्लो हो जाता है। तो इतनी देर में आप किसी क्लाइंट से गप्पे भी मार सकते हैं और उन्हें और भी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं जब तक ये प्रिंट आउट निकलेगा।
मैं वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रहा हूँ क्योंकि प्रिंटिंग में टाइम लगाएगा तो आप भी बोर हो जाएंगे देख के, तो मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि ये जल्दी से प्रिंट आउट इसका निकल जाए। देखिए कैसे तरीके की प्रिंट निकल रहा है ये, अब ये जो प्रिंट है करीब करीब निकल चुका है, आधा प्रिंट निकल चुका है। मेरे पास जो ये प्रिंटर है वो पुराना है, आप नया भी परचेज कर सकते हैं, पुराना जो है बहुत सस्ता मिलता है, 1500 से 2000 के बीच में मिल जाता है। ठीक है, प्रिंट आउट निकल चुकी है, एक क्लिप जो है इसको ओपन कर लिया और सीधा बाहर हमने पेपर खींच लिया। अब मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाता हूँ कि कैसा रिज़ल्ट है। तो देखिए दोस्तों कैसा ये रिज़ल्ट है, आप पिछले वाले से कंपेयर कीजिए, इसका रिज़ल्ट अलग है और ये डॉट्स में प्रिंट निकालता है, आप ध्यान से देख रहे हैं सारी जगह डॉट्स नज़र आ रहे होंगे, लेकिन प्रिंट बहुत अच्छा और क्लियर है। मेरे सामने ये तीन प्रिंटर है, एक इंकजेट प्रिंटर, एक कॉपियर और एक डॉट मैट प्रिंटर है। मैं सबके आपको रिजल्ट दिखाऊंगा कैसे है, सबके मैंने प्रिंट निकाल दिए हैं। सबसे पहले मैं इंकजेट प्रिंटर का आपको प्रिंट दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल डिजिटल प्रिंट होता है, सेम एज इट इज आप स्टेंसिल प्रिंट करेंगे और इसको एज इट इज सीधा स्टेंसिल स्टफ लगा के या अभी जो भी स्टेंसिल जेल आप यूज करते हैं उसको लगा के सीधा आप स्किन के ऊपर प्रिंट कर देंगे और सेम ऐसा ही स्टेंसिल जो है प्रिंट होएगा उसके ऊपर, जैसा आपको दिखा है दिख रहा है, लाइनिंग वाला प्रॉपर लाइनिंग दिखेगा, हल्की शेडिंग बिल्कुल दिखेगी, 3D लेयर से बिल्कुल 3D दिखेगी और पोर्ट्रेट बिल्कुल पोर्ट्रेट जैसा दिखेगा, बिल्कुल जैसा प्रिंट निकालेंगे वैसा ही प्रिंट बिल्कुल जो है स्किन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। अब ये है स्टेंसिल कॉपियर जो कि इससे निकाला गया है, ये ध्यान रखिए वो कॉपियर है प्रिंटर नहीं, कॉपियर से मतलब हमने पहले से एक प्रिंट आउट निकाल रखा है, चाहे आपने लेजर से निकाला हो, लेजर प्रिंटर से या इंकजेट प्रिंटर से, उसका हमने एक ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट निकाल लिया है, उसको हमने इसमें डाला और इसमें इसको क्या किया उसकी कॉपी बना दी, उसकी कॉपी बना देता है ये। अब इसके रिजल्ट देख लीजिए क्या रिजल्ट आ रही है इसकी, इसके रिजल्ट में क्या हो रहा है कि लाइनिंग वर्क तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही क्रिस्पी है, लाइन वर्क बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हल्की सी शेडिंग देखी जाए तो वहाँ पे ये शेडिंग की जगह भी डार्क कलर्स कर देता है, लेकिन अगर रियलिस्टिक में जाएं तो रियलिस्टिक में भी यही होता है, आप अगर कंपेयर करें इससे तो रियलिस्टिक में भी जहाँ शेडिंग वर्क है वहाँ भी ये डार्क कर देता है। आप रेफरेंस के लिए काम तो कर सकेंगे लेकिन अगर आप चाहेंगे कि शेडिंग करना तो आपको मैन्युअली खुद ही आपको करना पड़ेगा इसमें शेडिंग। आप इसके मुकाबले में देखा जाए तो इसमें प्रॉपर आपको दिख रहा है कि कहाँ कहाँ पे शेड्स हैं, लेकिन इसमें शेड्स का बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, इसमें सीधा डार्क है। इवन पोर्ट्रेट टैटू में भी बहुत कम जगह आपको शेड्स का पता चल रहा है, लेकिन रेफरेंस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके मुकाबले में आप पोर्ट्रेट को देख लीजिए कितना फर्क है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ये वाला जो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से निकाला गया, प्रिंट थोड़ा लाइट जरूर दिख रहा होगा आपको लेकिन बहुत बेटर रिजल्ट है। आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें हल्के हल्के डॉट्स से बने हुए हैं और लाइनिंग वर्क जो है वो सब पूरा का पूरा स्टेंसिल ही डॉट वर्क में है, लेकिन लाइनिंग प्रॉपर लाइनिंग दिख रही है, शेडिंग में जो हल्की लाइट शेडिंग है वो भी प्रॉपर लाइट शेडिंग में दिख रही है, जहाँ डार्क है वहाँ डार्क है, जहाँ लाइट है वहाँ लाइट दिख रही है। इसी तरह से आप रियलिस्टिक और 3D में जाएंगे तो यहाँ भी डार्क और लाइट का बिल्कुल कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है कि कहाँ पर डार्क है और कहाँ पर लाइट है। इवन पोर्ट्रेट टैटू में भी सेम ऐसे ही पता चल रहा है कि डार्क और लाइट पोर्शन का है। अगर हम इसको प्रिंटिंग वाले से करें, डिजिटल प्रिंट वाले से कंपेयर करें तो ज़्यादा खास फर्क नहीं है। बस ये थोड़ा डार्क है, ये थोड़ा लाइट है, लेकिन आप जब स्टेंसिल प्रिंट करेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा इस वाले का भी। अगर हम तीनों को कंपेयर करें तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट है वो सबसे बेस्ट तो डिजिटल प्रिंट ही होगा, जो सीधा स्टेंसिल प्रिंटर से ही निकलेगा सबसे बेस्ट। सेकंड ऑप्शन पे माना जाए तो मैं डॉट मैट्रिक्स वाले को मानूंगा बेस्ट मानूंगा, क्योंकि इसमें सारे शेड्स जो हैं हमें वहीं पे दिख जाएंगे और आपको स्टेंसिल पे काम करने में बिल्कुल आसानी होगी कहाँ पे डार्क और कहाँ पे लाइट शेड देना। लेकिन अगर हम कॉपियर में जाए तो कॉपियर में आपको खुद ही मैनुअली सारा कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो डार्क और लाइट शेड का पता नहीं चल रहा है कहाँ पे डार्क है कहाँ पे लाइट है, देखो ग्रेडियंट जो दिखना चाहिए ना वो ग्रेडियंट नहीं दिखता, तो
तो इस तरह से मैंने आपको आज कंपेयर करके दिखाया किस तरीके से कौन सा प्रिंटर यूज किया जाता है और क्या रिजल्ट मिलता है। आप सही से कंपेयर कर लीजिए, आपको अपने हिसाब से आप देख लीजिए कौन सा बेटर है, और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट अगर चाहिए आपको तो आप देखिए कि क्या कैसे रिजल्ट मिल रहा है। मैं आपको थोड़ा क्लोजअप से दिखा रहा हूँ। ये तो वो प्रिंट है जो हमने कि कंप्यूटर से सीधा निकाला हुआ है, नॉर्मल पेज पे प्रिंट आउट निकाल रखा है। ये वाला हमारा डिजिटल प्रिंट है जो सीधा स्टेंसिल प्रिंटर से निकाला गया है। ये वाला जो है हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से निकाला गया, और ये वाला प्रिंटर कॉपियर से निकाला जो थर्मल कॉपियर है उससे निकाला गया। कंपेयरिंग करेंगे तो आपको सबका फर्क नजर आएगा, बिल्कुल क्लियर फर्क नजर आएगा कि किस में कितना फर्क है। तो आप अपने बजट के हिसाब से आप प्रिंटर ले सकते हैं। ये वाला जो प्रिंटर है आपको जो नॉर्मली प्रिंटर है ये 12 से 14 हज़ार के बीच में मिल जाता है। देखिए इसकी इंक जो है वो 12 हज़ार रुपये की एक बॉटल आती है। मैं आपको इसकी पिक्चर दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये वाला जो इंक की बॉटल है वो इसके अंदर डलेगी, और वो 12 हज़ार रुपये की बॉटल एक आती है, प्लस ये प्रिंटर 12-13 हज़ार रुपये का आता है। लेकिन इसमें कम से कम 2 बॉटल आपको डालने पड़ते हैं। अगर आपके पास काम अच्छा है, बहुत दिन भर के 20-25 टैटू आप बना लेते हैं, आपका 15-10 टैटू भी बना लेते हो, आपके लिए प्रिंटर ठीक है, क्योंकि इसमें रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा स्टेंसिल बनता है। अगर आपके पास नॉर्मल प्रिंटर है, सेम मान लीजिए यही प्रिंटर है लेकिन आपके पास वो इंक नहीं है स्टेंसिल वाली, तो आप सेम ऐसा प्रिंट निकाल के, आपके पास अगर थर्मल प्रिंटर है तो इस थर्मल प्रिंटर से आप ये वाला प्रिंट स्टेंसिल बना सकते हैं। इससे आप आराम से सेम इस प्रिंटर से आप ऐसा प्रिंट आउट लेकर आप इस प्रिंटर से ये वाला स्टेंसिल बना सकते हैं। लेकिन अगर आपका बजट नहीं है, ये प्रिंटर भी बहुत सस्ता आता है, 10-12 हज़ार में आ जाता है। अगर आपको सस्ता चाहिए, बजट चाहिए और अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो मेरे हिसाब से आपके पास अगर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, किसी भी कंपनी का, कोई भी कंपनी का डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होना चाहिए। ये ऑनलाइन मिल जाएगा आपको, सेकंड हैंड मिल जाएगा, आपके पास कोई कंप्यूटर हार्डवेयर वाला हो उसके पास मिल जाएगा, वहाँ से लीजिए, नहीं तो नया भी 12-13 हज़ार रुपये का मिल जाता है, उससे आपको ये वाला रिजल्ट मिलने वाला है। इसमें सीधा आपने कंप्यूटर से कनेक्ट करना है और आपको सीधा आपने प्रिंट कमांड देना है और आपको ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा। तो देख लीजिए आपको आपके बजट में कौन सा प्रिंटर आता है और कौन सा आपको सूट कर रहा है, आपके पास कितना काम है, उसके हिसाब से आप अपना प्रिंटर को सेलेक्ट कीजिए। तो उम्मीद है दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और कंपैरिजन आपको अच्छा लगा होगा, और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा।